हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियोर गार्डन के एपिसोड 28 और 29। बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में शाइना अपना गिफ्ट देखकर सरप्राइज हो गई। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है वो गिफ्ट था फ्रंट बिल्डिंग पर मेइजो ने हार्ट बनाया था लाइट से। शाइना उसको देखकर बहुत खुश होती है। देन मेइजो शाइना को किस करता है। मेइजो शाइना को घर छोड़ने जाता है और शाइना से पूछता है, तुम्हें घर आने की इतनी जल्दी क्यों थी। शाइना कहती है, घर पर मुझसे इंटीरियर डिजाइनर मिलने आया है और उसको तुम भी जानते हो। मेइजो पूछता है, मैं भी जानता हूँ, कौन है वो। शाइना कहती है, टेरेंस। देन मेइजो अंदर जाता है और टेरेंस से मिलता है। शाइना को इन दोनों के होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेइजो टेरेंस को बताता है कि हम दोनों अभी डेट से आए हैं और शाइना ने वहां बहुत इंजॉय किया। टेरेंस शाइना से पूछता है, क्या वो हमारी एक रात से भी अच्छी थी। शाइना कुछ भी नहीं बोलती तो टेरेंस भी उसे फोर्स नहीं करता और घर के डिजाइन दिखाने लगता है। संशय के फ्रेंड्स बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें अभी तक संशय के बारे में कुछ नहीं पता। और मंकी गर्ल भी वापस आ गई है, यानी युआनजी, दामिनशी के लिए नहीं बल्कि अपनी गुड फ्रेंड संशय को ढूंढने के लिए। इधर संशय अपने पेरेंट्स के साथ विलेज में रह रही है। वो बहुत सैड है और दामिनशी को मिस कर रही है। जब उसकी मॉम उसके विलेज आने का रीजन पूछती है तो वो ना कुछ नहीं बताती। शीमैन और मेइजो को दामिनशी की बहुत चिंता है क्योंकि जब से संशय गई है ना तो वो उनसे बात करता है ना ही मिलता है। इसलिए लीजेन, चेंचिंग, मेइजो, शीमैन और युआनजी सब गैदर होते हैं और दामिनशी को भी बुलाते हैं जिससे वो उसका मूड सही कर सके। शीमैन उन्हें समझाता है कि वो लोग संशय का नाम बिल्कुल भी ना लें दामिनशी के सामने। देन जब दामिनशी वहां पहुंचता है तो वो सब ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत क्लोज हो और दामिनशी का मूड भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर दामिनशी से उनकी बातें नहीं सुनी जाती। वो उन पर चिल्लाकर होटल से बाहर चला जाता है। सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। शीमैन उसे रोक कर कहता है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। दामिनशी कहता है, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, तुम सब कर रहे हो। शीमैन को दामिनशी की बात से गुस्सा आता है और वो कहता है, इसी वजह से संशय को मैं छोड़कर गई हूँ। शीमैन की ये बात सुनने के बाद दामिनशी को गुस्सा आ जाता है और वो शीमैन को हिट करता है। शीमैन भी उसे हिट करता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद दामिनशी खुद को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। शीमैन अब दामिनशी से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। मेइजो उसके पास आता है और हंसता है क्योंकि मेइजो को पता है कि आज भले ही शीमैन और दामिनशी में फाइट हुई है पर नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से फ्रेंड बन जाएंगे। देन शाइना अपने घर के रेनोवेशन के काम से टेरेंस के ऑफिस जाती है। शाइना वहां टेरेंस और उसकी असिस्टेंट के साथ में फोटोज देखती है और उसे वो फोटोज देखकर अच्छा नहीं लगता। टेरेंस उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाता है और कहता है, वो फोटोज मेरी असिस्टेंट ने यहाँ रखी है। शाइना कहती है, मुझे इससे कुछ नहीं करना, मैं तो बस देख रही थी। फिर शाइना पूछती है, तुम तो हाउस रेनोवेशन नहीं करते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो, तो मेरा घर क्यों रेनोवेट कर रहे हो। टेरेंस कहता है, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर शाइना को बहुत अच्छा लगता है। तभी शाइना को मेइजो का कॉल आता है। शाइना उसे बताती है कि मैं अभी टेरेंस के साथ हूँ, तो मेइजो फोन कट कर देता है और मेइजो का मूड भी खराब हो जाता है। लेई और शीमैन वहीं बैठकर मेइजो और उसकी लव प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। दोनों अपने फोन में लगे थे तो मेइजो उनसे उनके फोन छुड़ाता है और पूछता है, तुम मेरे फ्रेंड्स हो या नहीं, मैं टेंशन में हूँ, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं। इधर संशय अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है और दामिनशी को भूलने की कोशिश कर रही है। कहते हैं ना, बिजी लाइफस्टाइल ब्रोकन हार्ट को क्योर करती है, तो संशय भी वही ट्राई कर रही है। संशय अपनी न्यू डिशेस बना रही है और अपनी मॉम की स्टॉल पर वर्क कर रही है। वहाँ के लोगों को संशय की डिशेस बहुत पसंद आ रही हैं। वहाँ एक लेडी संशय और उसकी मॉम को साथ वर्क करने का ऑफर देती है। इस ऑफर के लिए संशय तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि इससे उन्हें उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी। मेइजो टेरेंस को लेकर बहुत परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शाइना के आस पास रहे। लेई मेइजो से पूछता है कि शाइना को क्या अच्छा लगता है। मेइजो कहता है, शाइना ने मुझसे कहा था कि वो अपने पुराने टाइम में वापस जाना चाहती है। लेई के पास एक प्लान है पर उस प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें दामिनशी की भी जरूरत है, तो लेई दामिनशी के पास जाता है उससे बात करने क्योंकि लेई ही वो अकेला है जो दामिनशी से सेंस में बात कर सकता है। लेई दामिनशी से कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत है मेइजो की हेल्प करने के लिए। पहले दामिनशी कुछ नहीं बोलता तो लेई उसे सोया मिल्क देता है पीने, जो दामिनशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दामिनशी उसे पीने से मना करता है। लेई उसे कन्विंस करता है और समझाता है कि कई बार हमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती पर हमें उन्हें करना पड़ता है उनके लिए जिन्हें हम लव करते हैं और जिनकी हम केयर करते हैं। दामिनशी वो मिल्क पी लेता है और मेइजो की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है।
नेक्स्ट डे F4 स्कूल की ड्रेस में रेडी होकर शाइना के घर जाते हैं और शाइना को भी स्कूल ड्रेस देते हैं और फिर उसके साथ पिकनिक पर जाते हैं। सब बहुत इंजॉय करते हैं और दामिनी और ले का सीन सबसे ज्यादा क्यूट और फनी होता है। जब सब बैठकर लंच कर रहे थे तो दामिनी उनके बीच से उठकर चला जाता है। शाइना उसके पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम वही हो ना जो कुकिंग कॉम्पिटिशन में संशय को बहुत चीयर कर रहे थे, और संशय कैसी है? दामिनी उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। देन दामिनी शाइना से पूछता है, क्या तुम मेजो को लाइक करती हो? शाइना कहती है, इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। पिकनिक के बाद शाइना बहुत खुश थी। देन पिकनिक के बाद F3 रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मेजो सिर्फ एक ही सेंटेंस कहे जा रहा था और बहुत खुश था। ले और शिमेन मेजो की हरकत से बहुत बोर हो गए थे, तो शिमेन ले से कहता है, दामिनी हार्ट ब्रोकन है, मेजो पागल हो चुका है, सिर्फ तुम ही हो जो नॉर्मल हो। ले मेजो की बातों से परेशान हो जाता है और इस बार ये होता है जो अभी तक के एपिसोड्स में नहीं हुआ। ले किसी को टीज करता है, यानी ले मेजो को टीज करता है। देन मेजो को शाइना का कॉल आता है। मेजो शाइना से कॉन्सर्ट में चलने की पूछता है। शाइना हाँ कह देती है और मेजो उनके बीच से चला जाता है अपनी डेट की तैयारी करने, और ले और शिमेन को टाइम मिलता है अपना वर्क करने का। नेक्स्ट डे शाइना टेरेंस से मिलने उसके ऑफिस जाती है रेनोवेशन के वर्क से, तो वहाँ टेरेंस की असिस्टेंट कहती है, तुम अपना सारा वर्क बता दो, क्योंकि टेरेंस कुछ सालों के लिए बाहर जा रहा है चाइना छोड़कर। शाइना पूछती है क्यों, तो उसकी असिस्टेंट कहती है, तुम खुद ही पूछ लो, और उनके बीच से चली जाती है। जब वो टेरेंस से पूछती है तो वो बताता है कि वो अपना ग्लोबल प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने जा रहा है और कब वापस आएगा पता नहीं। टेरेंस कहता है, और मैं तुम्हारा घर रेनोवेट करके जाऊंगा। शाइना टेरेंस को दूर जाने नहीं देना चाहती और उससे गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हारी फैमिली नहीं है तो तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कहाँ किसी की परवाह। टेरेंस पूछता है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? शाइना आसानी से मना कर देती है। टेरेंस पूछता है, तो तुम मेरे दिया हुआ कोकोनट अपने घर पर क्यों रखे हो? शाइना कहती है, अच्छा तो वो तुमने देख लिया। अब टेरेंस शाइना को अपने दिल की बात बताता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं वर्ल्ड अकेले नहीं घूमना चाहता, मैं वर्ल्ड को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी शाइना? तुम मुझे अपना आंसर अभी नहीं दो, आराम से सोच कर दो, क्योंकि तुम्हारा आंसर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। शाइना घर पहुंचती है। जब वो उस कोकोनट को देखती है तो वो टेरेंस के साथ स्पेंड किए टाइम को याद करती है और बहुत खुश होती है। शाइना टेरेंस को लाइक भी करती है पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही। शाइना को मेजो का मैसेज आता है। शाइना मेजो के लिए भी बुरा फील कर रही है तो वो उससे मिलने बार में बुलाती है। शाइना टेरेंस से मिलने जाती है। जब शाइना वहां पहुंचती है तो देखती है कि टेरेंस की असिस्टेंट उसे हक करे हुए है। ये देखकर शाइना को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है, पर वो वहां से चली जाती है। टेरेंस उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। शाइना उसे जोर से स्लैप मार देती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझे लाइक करते हो। टेरेंस समझ जाता है कि शाइना ने उसे उसकी असिस्टेंट के साथ देख लिया, इसलिए टेरेंस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर शाइना अब उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती और वहां से चली जाती है। शाइना सच में टेरेंस को लाइक करती है इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। जब शाइना मेजो से मिलने जाती है वहां वो मेजो के साथ बहुत ही हैप्पीली बिहेव करती है, पर मेजो को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। शाइना ड्रिंक करती है और अपना कंट्रोल खो देती है। मेजो उसे उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में शाइना रोने लगती है। मेजो शाइना को कैसे भी करके उसके घर ले जाता है। अपने रूम में जब वो कोकोनट को देखती है तो उसे फेंकने को कहती है। शाइना पूरी रात टेरेंस का ही नेम लेती रही। मेजो भी समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले शाइना टेरेंस को ही लाइक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाइना जागती है तो वो देखती है कि मेजो उसके घर पर ही है और उसने सारी रात उसका ख्याल रखा। फिर शाइना को पता चलता है कि उसने रात को कोकोनट बाहर फेंकवा दिया, तो वो फौरन बाहर जाती है और ट्रेस में से कोकोनट को ढूंढने लगती है। मेजो भी उसके पीछे जाता है और उसे देखता है। ये देखकर मेजो की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो समझ जाता है कि शाइना टेरेंस को ही लाइक करती है, इसलिए वो सैड होकर वहां से चला जाता है। अब चलते हैं अपने मेन लीड के पास। संशय का स्टॉल बहुत फेमस हो रहा है संशय की स्पेशल डिश की वजह से, और वहां के कस्टमर्स लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। इस स्ट्रीमिंग का फायदा ले को होता है और ले को संशय का पता चल जाता है। ले ये जानकर बहुत खुश होता है। ले दामिनी को बस संशय के बारे में बताता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाकर संशय को लेकर आओ। दामिनी कहता है, मैं नहीं जा रहा। ले साथ में चलने की कहता है, पर दामिनी कहता है, मैं थोड़ी ना उसे छोड़कर गया था, वो गई थी इसलिए मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। इधर मेजो और शाइना दोनों मजबूरी में पियानो कॉन्सर्ट में जाते हैं। शाइना रोने लगती है और मेजो की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। कॉन्सर्ट एंड होता है। शाइना मेजो से पूछती है, तुम मुझे इतने नाइसली ट्रीट क्यों कर रहे हो? मेजो कहता है, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। नेक्स्ट डे मेजो टेरेंस से मिलने उसके ऑफिस जाता है
और उससे मिलकर डायरेक्टली पूछता है कि तुमने क्या किया जिससे शाइना इतनी सैड है। टेरेंस मेइजो को सारी बात बताता है और कहता है कि तुम शाइना की खुशी के लिए सब कुछ करते हो, इसलिए शाइना तुम्हें डिजर्व करती है और मैं अब शाइना की जिंदगी से चला जाऊंगा। बस तुम मेरा एक काम करना, तुम मेरा ये गिफ्ट शाइना को दे देना। वो गिफ्ट क्या है अभी इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। ले सनशाई से मिलने उसके विलेज जाता है और उसके पास जाते ही कहता है, तुम्हारी हेड इतनी अगली क्यों है? सनशाई उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और सिंपल से एक्सप्रेशन में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ले कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ले और सनशाई अकेले में बात करते हैं। सनशाई उससे पूछती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ले कहता है, अब हमारे पास सोशल मीडिया है इसलिए सब पता चल जाता है। सनशाई ले से दामिनशी के बारे में पूछती है। ले कहता है, जब तुम दामिनशी को इतना लाइक करती हो तो उसे बताती क्यों नहीं हो? सनशाई कहती है, क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ इसलिए उसे बताना नहीं चाहती। इधर दामिनशी अकेले अपने रूम में है और सनशाई की वीडियो देख रहा है बार बार। ले सनशाई को वापस लाता है उसके पुराने घर में और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे सरप्राइज देता है। सनशाई बहुत खुश होती है अपने फ्रेंड से फिर से मिलकर, पर वो कहीं कहीं सैड भी थी क्योंकि वहाँ दामिनशी नहीं था। दामिनशी को भी सनशाई के सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि सनशाई वापस संघाई आ चुकी है। दामिनशी अभी भी सनशाई की केयर करता है। शाइना अभी भी टेरेंस के बारे में ही सोच रही है और इधर मेइजो ने डिसाइड कर लिया कि वो शाइना की लाइफ से चला जाएगा और यही एपिसोड 29 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।